बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम राइज के क्वेश्चन बैक कर रहे हैं सिंपल चैप्टर नंबर 5 की सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है वो कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ RS 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स। वो कह रहे हैं 20,000 हम पर वाजिबुल अदा है जो हमने अदा की करनी है, मतलब अभी की नहीं है, करनी है, मतलब ये मुस्तकबिल वैल्यू हो गई। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू इफ़ इट इंक्लूड्स, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारे पास इफ़ इट इंक्लूड्स सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इसमें 8% हो। तो इससे सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ जो दिया हुआ है वो 20,000 जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या होगी, एस होगी। 20,000 हमारे पास एस होगी। हमने वाजिबुल अदा इज ड्यू इन 3 मंथ्स, हमने 3 मंथ में मतलब 3 महीनों में उसे अदा करना है, लाजमी वापस अदा करना है। तो हमें पता है हम एन हमेशा ईयर में लेते हैं, तो कन्वर्ट इट इन टू ईयर, मतलब इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 3/12, 1/4, मतलब इसको तकसीम 3/3, 4। तो उसके बाद हमारे पास आर कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 8%। अल्फ़ा जहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब रेट है। तो आर इज इक्वल टू 8%, मतलब इसको परसेंटेज को ख़त्म किया, 100 पे तकसीम किया 0.08। हमने प्रेजेंट वैल्यू पी मालूम करनी है, तो हम फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+R एंड 20,000। एस हमारे पास कितना था, 20,000 इज इक्वल टू पी इंटू 1+0.08 आर एंड आर कितना था 0.08 क्रॉस 1/4। तो जवाब आपके पास आ जाएगा 90,608। इसका जवाब आपने इसको 608 बना देना है, बस 608। जो ऑप्शन भी है इस बुक में, मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है, तो आपने वो ऑप्शन नहीं, पता नहीं इन्होंने ये लगाया है, पता नहीं ये लगा, मुझे पता नहीं है। उसके बाद मिस्टर डिपॉजिट, मिस्टर डिपॉजिट आर इज 40,000 फॉर 4 ईयर्स। मिस्टर ए डिपॉजिटेड का मतलब आ गया ये हमारे पास प्रिंसिपल होगी फॉर 4 ईयर, 4 मंथ के लिए, मतलब एन आ गई एट द एंड ऑफ द टर्म, मतलब 4 साल के बाद हमने यही रिसीव्ड है इंटरेस्ट, वो 4 साल बाद इंटरेस्ट कितना हासिल करता है 7,000। द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम, वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम क्या होगी। तो डिपॉजिटेड ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, डिपॉजिटेड ये हमारे पास 40,000 मतलब पी हो गई, एन मतलब कितना 4 ईयर था, एन फोर। आप अपना बुक्स लेके इसको समझते जाएं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ। हमारे पास इंटरेस्ट कितना था 7,000, तो हमने आर मालूम करनी है। वो कहता है आर इज इक्वल टू, मतलब फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, पी आर एन, आर हमारे पास 7,000 था, ये 40,000 था, क्रॉस 4 ईयर था, आर हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास जवाब ये आएगा, 0.04375। तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज में आर निकालना है। मैंने ये सवाल इसलिए पहले किए हैं ताकि हमें टाइम थोड़ा लग जाए, रोज़ाना मुझे इतना टाइम लग जाता है कि मैंने 3 सवाल किए कल ना, पर तो सिर्फ 22 मिनट लग गए थे, इसलिए मैंने आज सवाल पहले ही कर रखे थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 3, वो कहता है इस्तेमाल इन्वेस्टेड मतलब उसने खर्च किए, डिपॉजिट किए, इन्वेस्टेड किए, डिपॉजिट किए, बॉरोड किए, लैंड्स टू किए, प्रिंसिपल, कैपिटल, जो भी आ जाए वो हमें पी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है 55 लाख उसने इन्वेस्ट किए, 1.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास ये हो गई अल्फा, जिसके पास रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब आर हो गई ये वैल्यू, पर मंथ फॉर फाइव ईयर उसने 5 ईयर के लिए मतलब वो किए, 5 ईयर के लिए उसने वो किए। फाइंड हिज टोटल अमाउंट, उसकी टोटल अमाउंट क्या होगी। तो इसमें हम सबसे पहले मालूम करेंगे पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, डिपॉजिटेड उसने कितना इन्वेस्ट कितने आ गया 5 लाख किया। उसके बाद आर रेट परसेंटेज 1.5% पर मंथ था, इतना सिंपल इंटरेस्ट ये इन सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। तो हमने मंथ को उसमें कन्वर्ट करना है, मंथ को मतलब ये 1.5% पर मंथ था, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई 100 के साथ परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 0.18, एन इज इक्वल टू 5। तो हम फार्मूला ये लगाएंगे, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गई। वो कहता है आखिर में क्या पूछता है, फाइंड हिज
टोटल अमाउंट, मतलब जिसमें उसके इंटरेस्ट भी हो, सूद भी उसमें हो और उसका अपना अमाउंट भी हो, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट हमने निकाल ली 4,50,000, तो 9,00,000 हमारे पास 50,000, ये आंसर आ गया 9,50,000, 9,50,000 ये वाला जवाब हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। आपने कैलकुलेटर पे खुद भी कर लेना है। उसके बाद कहता है अफिन डिपॉजिटेड आर 6,00,000 इन अ बैंक 9% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 9% फॉर 3 ईयर एंड 3 मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी, विच इज शी अमाउंट ऑफ मनी आ जाए, तो आपने वहाँ पे क्या मालूम करना है, ऐसा आपने मालूम करना है, ये आपने भी याद रखना है। फ्यूचर मनी आ जाए, अमाउंट ऑफ मनी आ जाए, अमाउंट ऑफ आ जाए, अमाउंट ऑफ वो एस एस को शो कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, उसने कहा पी मतलब 6, उसने कितना डिपॉजिट किया 6,00,000 डिपॉजिट किया, रेट उसको कितना दिया जा रहा है 9% वो कन्वर्ट किया, वो कह रहा है एन जो है 3 ईयर 3 मंथ है, मतलब 3 + 3 over 12 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, इसको 3 12 पे तकसीम करेंगे फिर ऐड कर देंगे 3.25। तो ऐसा हमने मालूम करना है, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R है, ये फार्मूला आप लगाएंगे, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R है, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, एस इज इक्वल टू 6,00,000 1 + 0.09 × 3.25 यहाँ 25 फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास जवाब ऐसा आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करें, हल करें, मतलब तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसके बाद जवाब क्या आएगा 77, मतलब 55 सार के तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। सर ने कहा कल मतलब हम अल्फा एक्स वो उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू 6,00,000 इंटू 1 + 1 + कितना था 0.09 × 3.25 फिर ब्रैकेट बंद, तो आपके पास आप शिफ्ट कैलकुलेटर ये आ गया। इसके बाद इक्वल पे क्लिक करेंगे, ये देखे 77 मतलब 7,75,500 सर का कैलकुलेटर का तरीका वो भी सही है। आपने जो भी वेरिएबल मतलब वेरिएबल लिखना है या कुछ आपके पास 500 कुछ दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, फिर इक्वल है मतलब फिर आपने इक्वल पे क्लिक करना है, फिर आपने जो वेरिएबल सपोज करें आपको कोई वेरिएबल दिया गया है तो आपने अल्फ़ा उसकी जगह एक्स पुट कर देना है, फिर ब्रैकेट मतलब जो भी जैसा भी हो आप मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर पे इस तरह। तो वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, डेल्टा ऑप्शन। वो कहता है एट व्हाट टाइम पीरियड, यहाँ पे क्या है टाइम पीरियड, हमना एंड इंटरेस्ट, हमना एंड इंटरेस्ट अमाउंट, वो इंटरेस्ट अमाउंट मतलब अर्न करता है मतलब 70,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट इफ शी इन्वेस्ट उसने कितने किए, इफ़ शी इन्वेस्ट मतलब 7,50,000 उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास उसकी वैल्यू आई, ये क्या हो गई हमारे पास उसकी आई हो गई, ये आर हो गई। एंड हमने एट व्हाट टाइम पीरियड मतलब हमने उसकी टाइम पीरियड मालूम करनी है। सबसे पहले हमारे पास एन हमने मालूम करनी है, फैंड करनी है व्हाट इज एन, उसके बाद आई हमें दिया गया है 70,000 मतलब उसने जो सूद ली, आर रेट दिया गया है 8.5% इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे इसमें फ्रैक्शन में, उसके बाद पी हमें दिया गया है 7,50,000 मतलब 50,000, उसके बाद आई इज इक्वल टू पी आर एन ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। आई हमारे पास 70,000 था, 7,50,000 था, उसके बाद क्रॉस 0.085 ये हमारे पास आर था, क्रॉस एन ये एन है यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करने के बाद तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.1 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली।
1.1 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ये वाला आपके पास करेक्ट जवाब आ जाएगा भैया टेंशन से। उसके बाद हमारे पास हो गया था इरा बारोड, बारोड जो भी आया था मैंने आपको पहले बताया, बारोड इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड प्रिंसिपल कैपिटल प्रेजेंट, ये इनमें से जो चीज़ भी आ जाए तो उसकी जगह आपने प्रिंसिपल वैल्यू ही लिख देनी है। पी पी मतलब कितना है, 6 लाख है। सम सिंपल इंटरेस्ट हो गया था, सम में सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, जिस तरह पहले क्वेश्चन दिया था वहाँ 3 ईयर एंड 3 मंथ्स दिया गया था, या अनपेड 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 40,000 इन एक्सेस फैंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक अलग क्वेश्चन आ गई, वो कहता है इरा बारोड उसने मतलब उधार ली किसी से, 6 लाख उधार ली एट सम सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे मतलब सूद पर, फॉर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे एट सम सिंपल एंड पेड मतलब उसने अदा की इजाफे इन एक्सेस, मतलब इजाफी अदा करना मतलब उसने इंटरेस्ट ही अदा कर दी। यहाँ उसने हमें बताया नहीं, उसने कहा एट सम सिंपल इंटरेस्ट एक्स मतलब बुलाने के लिए मैं कह दिया, असल में सिंपल इंटरेस्ट यही है, आई जो है ना वो हमने इजाफी जो दी वो यही है, इन एक्सेस जो मतलब वो 6 लाख भी दिए उससे इजाफी जो पैसे 40,000 दिए वो इंटरेस्ट हो गई। फैंड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने आर मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेजेंट मतलब पी कितना है, 6 लाख है हमारे पास। उसके बाद एन कितना था, 2 + 3 को मतलब 3 मंथ जो था उसको 12 पे तकसीम करना है, 2.25 आ जाएगा। उसके बाद आई हमारे पास इंटरेस्ट कितना था, 40,000, तो हम फार्मूला आर हमने मालूम करना है, आई इज इक्वल टू पी आर, एंड 40,000 था, 6 लाख था क्रॉस 2.25 क्रॉस आर, इसको जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों तरफ जो जवाब आए उस पर तकसीम करना, फिर जो फ्रैक्शन में जवाब आएगा आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लाजमी याद रखें आर के साथ मतलब उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगी, जो इतना भी जवाब आए मतलब परसेंटेज में ही जवाब आना चाहिए लास्ट में, आपने ऐसे ही फ्रैक्शन में नहीं लिखते ना। तो हमारे पास 2.96 आ जाएगी जवाब। वो कहता है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 मिलियन इज़ मेड इन अ बिजनेस। वो कहता है इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पहले एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5, मैंने पहले बताया इन्वेस्टमेंट आ जाए, बरोड आ जाए, लैंड्स आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, कैपिटल आ जाए, कुछ भी जाए, कंज्यूम्ड आ जाए या प्रेजेंट आ जाए या जो भी आ जाए आपने मतलब वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। 1.5 मिलियन इज़ मेड इन अ बिजनेस, उसने 1.5 मिलियन मतलब बिजनेस में खर्च किए, एंड गेन वो वापस आ गया, एंड गेन इज़ 0.5 मिलियन फैन रेट ऑफ गेन। वो कहते हैं गेन इज़ 0.5 मिलियन फन रेट ऑफ गेन, मतलब रेट ऑफ गेन हमने मालूम करनी है, यानी सिम आर हमने मालूम करनी है, ये हमारे पास आई हो गई। ये क्वेश्चन मैंने किया है लेकिन इसका जो जवाब आता है वो मुझसे और तरीके से आता है, इस पर मतलब बाद में आप भी मतलब देख लेना इसका जवाब किसी जगह कहीं जगह पे, लेकिन इनमें से मेरा जवाब नहीं आता। अगर मैं तो समझता हूँ कि इसी तरीके से जो मैंने हल किया मतलब 1.5 मिलियन हमारे पास पी हो गई, उन्हें इन्वेस्टमेंट की उसका गेन कितना हो गया, आई गेन किया उसने 0.5 गेन किया, एन कितना 4 ईयर में उसने गेन किया, मेरे पास 8.3% जवाब आता है। लेकिन वो जो बुक्स में यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, तो पता नहीं सर कैसे सर से पूछेंगे फिर दोबारा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको भी बता दूंगा। आप अगर आपको आता हो तो बिल्कुल सही है, तो मुझे कमेंट में बता देना कि इस तरह ये सवाल होता है। उसके बाद आपने समझ लेना है वैसे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.5 मिलियन। उसके बाद उसने गेन कितना किया मतलब गेन क्या इजाफी वैल्यू उसने कितने मतलब हासिल किए, 0.5, एंड कितने ईयर में, 4 ईयर में, और हमने गेन ऑफ इंटरेस्ट रेट मालूम करना है मतलब इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, तो आर हमने यहाँ पर मालूम करना है, तो जो जवाब है उसको इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट जवाब आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो कहते हैं अलोन इज पावर, फिर वही आ गया मतलब ये हमारे पास पी अलोन इज बारोड आर एस 80 लाख फॉर 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट पेएबल एंड सिंपल इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन। वो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो हमें जो हमने कर्ज लिया उस वजह वापस देंगे तो उसके ऊपर हमने 6,50,000 ऊपर हमें देने पड़ेंगे, तो इसमें फैंड इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन मंथ पर। वो कहता है एक शख्स ने सपोज करें उसने 8 लाख उधार लिए किसी से 4 साल के लिए, उसने कहा फिर जब वो 4 साल बाद पैसे वापस करेगा एंड सिंपल इंटरेस्ट पेएबल 4 साल बाद वो पैसे वापस करेगा तो उसको इजाफी 6,50,000 इजाफी उसको
देने पड़ेंगे, तो उसका फैन इंटरेस्ट रेट आपने आर मालूम करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है। एट में पे पी कितना है, उसने उधार कितना लिया 8 लाख से लिया, और ईयर कितने के लिए, पीरियड कितना है 4 ईयर्स के लिए, और उसको इजाफी कितना देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6,50,000 उसको इजाफी देना पड़ेगा। उसके बाद आर हमने मालूम करनी है, आई इज़ इक्वल टू पी आर एन, आई इज़ इक्वल टू पी आर एन, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। जो जवाब आपके पास आएगा उसको फ्रैक्शन, मतलब जो जवाब आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आर परसेंटेज में जवाब आ जाएगी। आपने लाजमी जहाँ भी आर निकालना हो परसेंटेज में, एन निकालना हो उसको ईयर में, एन निकालना हो ईयर में, और ये भी पर एनम निकालना है, पर एनम, अगर पर मंथ लिखा हुआ हो तो उसको मल्टीप्लाई तकसीम करके पर एनम कर देना है, ये आप लाजमी याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, वो कहता है एट वट सिंपल रेट, मतलब आर हमने यहाँ पे मालूम करना है, वो खुद पूछ रहा है एट वट सिंपल रेट यू मे डबल योर इन्वेस्टमेंट इन फाइव ईयर्स। वो कहते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो आपने खर्च की, जो आपने यहाँ पे किसी को बारो किया, जो आपने जो कुछ भी किया, आप वो अमाउंट अपना डबल्स मतलब वापस लेंगे। आपने 10,000 किसी को दी, 20,000 वापस लेंगे 5 साल के बाद, तो उसमें आपने रेट उस पर कितना लगाया कि आप हर मंथ या हर ईयर आप उसको रेट कितना मतलब परसेंटेज आर कितना मतलब आपने लगाया। तो सबसे पहले एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट आर हमने मालूम करनी है, आर सबसे पहले आर हमने मालूम करनी है, पी हमने पे की, लेकिन हमने जो लेना है उस भाई से जिसको हमने पे किया, हमने बारह उधार दी डिपॉजिट बैंक में किया, तो उससे हम कितना लेना है 2p, मतलब एस हमारा कितना हो गया 2p, एन 5 ईयर के लिए 2p, एस की जगह 2p पुट कर देंगे, पी तो वैसे पी आ गई, वही मतलब जो हम दे रहे हैं उसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी, मतलब हमारे इंटरेस्ट के साथ वो डबल कर देगा। उसके बाद हमारे पास पी पी के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 इज़ इक्वल टू पी पी, यहाँ कैंसिल हो गया 1 प्लस आर 5, मतलब आर इंटू 5 ईयर वाला, वन को इस तरफ ले जाएंगे माइनस, मतलब वन इधर जाएगा माइनस हो गया, वन बच जाएगा, यह मैं आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया 5 और ये वन उधर गया तो वन बच गया, ये वन उधर गया 2 में से 1 माइनस हुआ 1 बच गया, r/1/5, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारे पास रेट कितना आएगा 20, तो आपको ये याद रखना है 20%। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको समझ लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर आर एस 1500 इन्वेस्टेड एट 9% सिंपल इंटरेस्ट। वो कहते हैं 9% सिंपल इंटरेस्ट टू ट्रिपल इन अमाउंट, वो अपने अमाउंट को मतलब ट्रिपल कर दे, वो अपने अमाउंट को ट्रिपल करें। इसके लिए इन्वेस्ट यहाँ पे आ गया, फिर आप देखें फॉर आर एस 1500 इन्वेस्टेड, मतलब उसने इन्वेस्ट किया, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी पी हो गई, तो हमारे पास पी हो गई। हमने हाउ लॉन्ग मतलब टाइम मालूम करना है, वो कहता है एस इज़ इक्वल टू 3p, मतलब पी में हमारे पास कितना था 1500, एस इज़ इक्वल टू ट्रिपल हो जाना है, मतलब पी हमारे वैल्यू जो हमने 1500 दिए वो हमें कितने ईयर बाद ट्रिपल अमाउंट में मिलेंगे अगर हमारे पास उसका रेट 9% मतलब 0.09 हो, तो ट्रिपल का मतलब 1500 को 3 के साथ क्रॉस कर देंगे 4500, तो हमारे पास ये एस होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये 4500 हो गया, ये 1500 हो गया, फिर मतलब ये मतलब इसको तकसीम करेंगे 1500 को 1500 पे तकसीम करेंगे, तो आपके पास जवाब 3 आ जाएगा। फिर 3 आने के बाद आपने मतलब यहाँ पे 1 बच गया, तो आपके पास ये वाला 1 है ना, तो आपने इसको इस तरफ ले आना है, मतलब यहाँ पे 0.09 हमने 1 डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब आपने 1400 आपके पास मतलब सपोज करें इसको आपने तकसीम किया, उसके बाद आपके पास जवाब आ गया, मतलब 1 प्लस 0.09 क्रॉस एन। अब आपने इस एक को इस साइड पे ले आना है, इस एक को इस साइड पे ले आए, तो मतलब माइनस
गया तो 2 बच गया। उसके बाद आपने 0.09 पे दोनों तरफ तकसीम करना है, 2 बच गया उसके पास तकसीम करना है, 2 over 0.09 तकसीम कर दिया तो 22.22 ईयर आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 2 को आपने 3 कर देना है। लेकिन इसको हल करने का एक आसान तरीका भी है, उसके लिए मैं आपको कभी बता दूंगा। उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले जो आपका जवाब आए आपने इसको 365 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 के साथ तकसीम करना है, फिर देखने हैं आप मतलब फिर 13 के साथ तकसीम करेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब 13 के साथ आप सबसे पहले आपने 22.22 को 22.22 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपने मल्टीप्लाई करना है 365 डेज़ मतलब है डेज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको आपके पास ये जवाब आ गया मतलब, फिर आपने इसको 30 पे तकसीम करना है, 30 पे तकसीम करें तो आपके सॉरी ज़र्ब दे दिया मैंने, आपने इसी तरह करना है 2.22 इसके साथ मल्टीप्लाई 365 इसके साथ तकसीम 30 मतलब ये हमारे पास मंथ हो गए। अब आपके पास मंथ मतलब 270 मतलब ये आपके साथ पास मंथ हो गए, आपने इसमें से मतलब ईयर निकालने हैं अप्रॉक्सीमेटली, आपने मतलब 12 के साथ 12 का पार पढ़ना है, मतलब जो आपके पास जवाब आए जो मतलब आपने एक्यूरेट ईयर निकालना है, खुद पहाड़ा पढ़ते जाना है 12 का, जितना 270 से मतलब 1 पॉइंट नीचे उसको पहाड़ में नहीं ले जाना, नीचे रह जाएगा बाकी जितने बन जाएंगे वो आपके मंथ होंगे। मतलब अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आप मतलब वहाँ पे कि जवाब हमारे पास कितना है 22 ईयर, मतलब 22 को अगर हम 22 को हम कितने से ईयर मतलब 12 मंथ इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई तो 264 आ जाएगा हमारे पास हैं, 264 आ जाएगा जो ही हमारे पास ये तो अप्रॉक्सीमेटली मंथ हो गए। तो हमारे पास बाकी है 3 मंथ मतलब 67 हमारे पास, वो तो इशारे में जवाब आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ वापस वो बच गए। उसके बाद आपने इस तरह मालूम करना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11, क्वेश्चन नंबर 11 वो कहते हैं जिसका जवाब हमारे पास 22 year 3 months। उसके बाद कहते हैं असर्टेन सम ऑफ एनी लेंट आउट एट SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 69 in 3 years एंड RS 75 in 3 years द सम लेंट इज। इसके लिए मैंने खुद एक फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला भी एक्यूरेट है। जब भी आपको अमाउंट टू मैंने आपको पहले बताया अमाउंट टू ये आ जाए ये S को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होते हैं S। तो हमारे पास S1 कितना था, S1 1690, S2 कितना था 75। तो आपने खुद फार्मूला क्रिएट किया है S2 मतलब बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है, I इज इक्वल टू N2 माइनस बड़े मतलब I मालूम करने के लिए, आपके लिए I मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। मतलब अगर दो आपके पास S2 दिए गए हैं और उनके अलग अलग ईयर है, अगर सेम ईयर है तो आपने N2 जहाँ माइनस N1 नहीं करना, सिर्फ NI लिखना है। अगर डिफरेंट ईयर है तो N2 माइनस NI लिखना है, अगर सेम ईयर हो गए तो आपने इसको सिर्फ NI लिख देना है, मतलब दोनों 5 5 ईयर के लिए। तो 75 माइनस 69 ये 2 बच गया, मतलब टू पे दोनों पे तकसीम किया, I इज इक्वल टू 30 ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गई। उसके बाद हमने मालूम करना है S इज इक्वल टू P+NI, ये फार्मूला है इसमें वैसे से ईयर होता है, S इज इक्वल टू P+NI। अगर आपको I पहले से गिवन हो, आपको I पहले से गिवन हो यानी आई भी गिवन हो पी भी गिवन हो, आपने एस मालूम करना तो आप यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको पी मालूम करना हो मतलब NIS यहाँ पे यूज़ करेंगे NI मतलब आपने एस जो भी मतलब यूज़ करना है ना, 3 आपने यहाँ पे 3 लगाया मतलब 3 ईयर के लिए जो वैल्यू थी 69 थी। अगर आपने यहाँ पे मालूम करना चाहते 5 ईयर के लिए तो आपने 75, देखे ना आपने यहाँ पे उसने 2 वैल्यू दिए हुए थे और 2 का अलग अलग ईयर बताया, उसने कहा 69 in 3 ईयर एंड 75 in 5 ईयर, 5 ईयर मतलब उसने कहा 75 in 5 ईयर।
हमने 3 ईयर के साथ किया, आप 5 ईयर यहाँ पुट करके 75 करेंगे तो भी आपके पास जवाब आएगा पी इज इक्वल टू 600। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पहले भी मैंने बुक्स पे किया हुआ था, रोमन बारो मतलब ये हमारे पास ऑटोमेटिकली पी वैल्यू हो गई फ्रॉम अ बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% 12% पर एनम, 12% आर हो गई, इन हाउ मेनी ईयर्स विल शी ओ इंटरेस्ट मतलब आओ मतलब अपना अपना लेगा या उसके पास आएंगे मतलब ये हमारे पास इंटरेस्ट आई हो गई। तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट करके देंगे, पी हमारे पास केंद्र की 20,000, आर हम 12% है मतलब आर हमारे पास 0.12 है और आई 3600 किया गया है एंड हमने मालूम करना है आई इज इक्वल टू पी आर एंड आई हमारे पास कितना था 3600 20 मतलब 20,000 0.12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों तरफ तक ये यहाँ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब है इस पे तकसीम कर देना है तो हमारे पास ये ईयर में आ जाएगा इसको ईयर में वाई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 12 पे ही ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो कंपाउंड करंटली सिंपल इंटरेस्ट जहाँ 12 पे ही ख़त्म हो रहे हैं, 12 तक सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है और बुक पर 20 तक हैं, 20 मैंने नहीं किया वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है 20 टेक्स्ट बुक आपकी एक टेक्स्ट बुक का एन इंडिविजुअल हैज़ परचेज्ड मतलब ये हमारे पास ऑटोमेटिकली परचेज्ड की उसने इन्वेस्ट की उसने डिपॉजिट की जो भी की वो पी उसकी आ गई, ये पी होगी वर्थ ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये क्या होता है सर्टिफिकेट एक्सपायर्स इन 25 ईयर में वो एक्सपायर होते हैं या नहीं है एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली मतलब 4 ईयर मतलब क्वार्टरली 4 हुआ एट रेट ऑफ 3% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर मतलब एवरी क्वार्टर के साथ इंटरेस्ट चेक वो एज आर मेल टू सर्टिफिकेट होल्डर एवरी 3 मंथ्स। ये हमारे पास क्या एन हो गई, वो तो उसने एक्सपायरी डेट बताया, ये नहीं बताया कि हमने मालूम करना है, वो खुद बताता है आगे द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस टू एन एवरी 3 मंथ्स। हमने 3 मंथ के लिए उसकी अर्न मालूम करनी है। तो हमारे पास पी कितना था ये आप देख रहे हैं पी 2,527,00 ये मतलब 2,75,000। उसके बाद उसने एन कितना बताया 3 मंथ, 3 मंथ मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 3/12 और उसने पर क्वार्टर बताया, हमने क्वार्टर नहीं हमने मतलब पर एनम मतलब पर वन जिसकी पावर वन वन के उसके बाद 3 को 4 के साथ मतलब क्रॉस कर देंगे तो पर एनम मतलब वो हो जाएगा 12% हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे 100 के साथ तकसीम करेंगे 0/0.12 तो आई इज इक्वल टू पी आर एन, आपने ये फार्मूला लगाना है इसको साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने इंटरेस्ट वो अर्न कितना लगा इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है तो ये आपके पास जवाब हो जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।